पास में एक नई राह है। हो सकता है कि इसके पहले आपके पास में बहुत सारी राह होंगी, लेकिन आज से आपके पास में एक नई राह है और इस नई राह को आपको आज समझना है। और इस नई राह को आज यदि आप समझ लेंगे मेरी जुबानी, तो मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि आने वाले ये 8 सप्ताह के अंदर में, क्योंकि हमारे पास में अभी 8 सप्ताह केवल गिनकर बचे हुए हैं, तो ये 8 सप्ताह के अंदर आप यदि चाहें तो आप अपना इतिहास बना सकते हैं, इतिहास रच सकते हैं। जो आज तक के आपने नहीं किया होगा वो इन 8 सप्ताह के अंदर में सही मार्गदर्शन में, सही दिशा में, सही सिस्टम के साथ काम कर कर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो हम आज जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, उस सिस्टम के बारे में आप जानते हो, क्योंकि आप सभी लोग लीडर्स लोग हो। कुछ न हो सकता है कि आज कुछ नए लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे। देखिए, हर किसी का लाइफ तब चेंज होता है जब वो मेहनत करता है, तब चेंज नहीं होता है, या वो केवल वेटिंग करता है तब वो चेंज नहीं होता है। तो लाइफ चेंज करने के लिए एक बात बेहद जरूरी होती है, वो होती है कि आप क्या सोचते। सर आपका माइक म्यूट हो गया सर, एक बार प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। तो ये 8 सप्ताह के अंदर में आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ तक के जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आज तक के आपने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब एटमी आएंगी तब देखेंगे, पहले लोगों को सक्सेसफुल होने दीजिए, उनको देखेंगे तब हम करेंगे। तो ऐसे विचार आपके हो सकते हैं, सभी लोगों के होंगे ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कुछ लोगों के हो सकते हैं। लेकिन हमको यदि आगे बढ़ना होता है तो उसका प्रिपरेशन पहले से ही करना पड़ता है, क्योंकि एट ए टाइम प्रिपरेशन, हम कितने भी स्ट्रांग होंगे तो एट ए टाइम हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो वही प्रिपरेशन आपको 8 सप्ताह पहले मैं देने के लिए आज आपके समक्ष आया हूँ, और मुझे खुशी हो रही है कि आप सभी लोग पेशेंस के साथ में मेरा वेट किए मुझे सुनने के लिए। तो आपको बहुत कुछ आज मिलने वाला है। देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे अगल बगल में हम देखेंगे तो बहुत कम लोगों के पास में, आपने देखे होंगे कि BMW कार्स है, मर्सिडीज बेंज है, या उसके ऊपर भी कार चलाने वाले आपके अगल बगल में रहने वाले लोग होंगे। तो या तो आपके अगल बगल में रहने वाले अरबपति खरबपति लोग, बहुत कम लोगों को आपने देखा होगा। तो उन लोगों को हम नहीं देखने के वजह से क्या होता है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो माइंडसेट होता है, वो उस तरीका का नहीं होता जैसे कि ये लोग सोचते हैं, जो सक्सेसफुल लोग सोचते हैं। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, उसी तरह से हम थिंकिंग करते रहते हैं। लेकिन आज आपको इस थिंकिंग को निकलना है। आपको यदि मर्सिडीज बेंज चाहिए, आपको यदि BMW कार चाहिए, या उससे ऊपर वाली कार चाहिए, या आप अरबपति खरबपति बनना चाहते हैं, या आपका जो भी विजन है, ये सारे विजन कर सकते हो, और ये रहा आपके पास में है। अभी इस सिस्टम के माध्यम से पिछले 11 सालों से पूरी दुनिया में जहां जहां एटोमी ओपन हुई है, हजारों लाखों लोगों ने अपने विजन को कंप्लीट किया है, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट किया है। लेकिन वो कंप्लीट तब किया है जब उन्होंने उसके प्रति एक डिसीजन लिया है कि यस, हम इस सिस्टम को करेंगे, चाहे हमको 1 साल लगे, चाहे हमको 2 साल लगे, 5 साल लगे, या जो भी समय लगे। लेकिन एक आज आपको एक डिसीजन लेना होगा। हो सकता है कि अभी तक के आपने आपके लाइफ के बारे में डिसीजन नहीं लिया होगा, या बिजनेस के बारे में सीरियसली डिसीजन नहीं लिया होगा। तो आज आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और जब आप आज एक डिसीजन लेंगे
कि ये 8 सप्ताह के अंदर मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, ये 8 सप्ताह के अंदर मैं कितना इनकम लेवल अचीवमेंट करना चाहता हूँ, ये 8 सप्ताह के अंदर मैं मेरे फैमिली के लिए मैं क्या देना चाहता हूँ, ये आज आपको तय करना है। और ये अचीवमेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो हो सकता है कि जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, हो सकता है कुछ लोग जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, कुछ लोगों का खुद का व्यवसाय होगा, कुछ लोग बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, या कुछ लोग बिजनेस के मालिक भी हो सकते हैं, या कुछ लोग बहुत बहुत जगह अनेक कंपनियों में काम करने वाले डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लीडर भी हो सकते हैं। तो आप जो भी हो, लेकिन आज आपके पास में जो राह है वो एक नई राह है। इस नई राह के ऊपर आपको चलने के लिए केवल एक आपको एक डिसीजन लेना है, आपको सोचना है। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड से सोचेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे होंगे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो जितने भी लोग जो लाइफ में सफल हुए हैं, तो उनकी जिंदगी केवल एक मिनट में बदल सकती है, तो वैसी आपकी भी जिंदगी आज एक मिनट में बदल सकती है। आप ये सोचेंगे कि भाई एक मिनट में जिंदगी कैसे बदल सकती है, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए एक मिनट का भी समय नहीं लगता। आप यदि सोचेंगे कि 8 सप्ताह के अंदर मैं इस सिस्टम से डायमंड मास्टर बनना चाहता हूँ, आप सोचेंगे कि इस सिस्टम के तहत 8 सप्ताह में मैं सेल्स मास्टर बनना चाहता हूँ, तो ये सोचने के लिए आपको एक मिनट का भी समय नहीं लगता। लेकिन यही बात आप यदि निगेटिवली लेते हो, तो हम लाइफ में कभी भी डायमंड मास्टर नहीं बन सकते, लाइफ में कभी हम सेल्स मास्टर नहीं बन सकते, या किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे होंगे तो हम कहीं पर भी पहुंच नहीं सकते। तो इसीलिए आपको ये बात आज समझ लेनी है कि आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते होंगे, तो आपका जो लाइफ चेंजिंग है केवल एक मिनट में चेंज हो सकता है, बशर्ते आप डिसीजन किस एंगल से ले रहे हो उसके ऊपर आधारित रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मेरी बात है आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी कि लाइफ में लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं। हो सकता है कि अभी तक के आपको सफलता नहीं मिली होगी, या मिली भी होगी तो उसमें आप उतने खुश नहीं होंगे जितने आप सफल होने के बाद में खुश होना चाहिए। लेकिन जो सिद्धांत मैं आपको आज एटोमी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो सिद्धांत हमारे कंपनी के जो CEO है मिस्टर हैंगिल पार्क सर ने बताए हैं, और उन्हीं सिद्धांतों सिद्धांतों का पालन करके आज वर्ल्ड के लाखों लोग सक्सेसफुल हुए हैं, और लाखों लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल अपने मिली के साथ में जी रहे हैं। तो आप भी एक अच्छा लाइफस्टाइल आने वाले दीपावली के करीबन आप भी जी सकते हैं। तो उसके लिए एक्चुअली हमको करना क्या है ये हम देखेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक्स है जो दिया गया है कि हाउ टू बिकम डायमंड मास्टर इन 60 डेज। तो डायमंड मास्टर हम 60 दिनों के अंदर में कैसे बन सकते हैं, तो ये हम आज सीखेंगे। तो डायमंड मास्टर मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। तो डायमंड मास्टर मतलब वो इंसान होता है कि एक पैसिव इनकम जनरेट करता है, और ये पैसिव जो इनकम होती है लगभग 260,000 के ऊपर में पर मंथ की होती है। अभी सवाल ये आता है कि 260,000 की पर मंथ की इनकम यदि हम 8 सप्ताह के अंदर एक सिस्टम के तहत काम करते हुए यदि हम कमा सकते हैं, तो उसके लिए हमने डेफिनेटली सिस्टम को सीखते हुए काम करना चाहिए। क्योंकि बाहर के मार्केट में यदि आप देखेंगे, 2 महीने के अंदर में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है कि जहां पर आप काम करके आप 260,000 से ज्यादा की इनकम आप बना सकते हैं। केवल आपके पास में एक नई राह है, उस नई राह का नाम है एटोमी। इस एटोमी सिस्टम को यदि आप सीखते हो, इसके सारे सिद्धांत को सीखते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ में बता सकता हूँ कि 8 सप्ताह के अंदर आप 260,000 से ज्यादा पर मंथ का इनकम आप इस सिस्टम से बना सकते हो। तो इस सिस्टम के ऊपर मतलब डायमंड मास्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो जिनके भी पास में पेन होगा,
या डायरी होगी तो आप अपने अपने पेन डायरी निकालिए, और जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये स्टेप्स मेरे स्टेप्स नहीं है, तो हमारे कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर हैंगिल पार्क सर, उन्होंने बनाए हुए स्टेप्स हैं, और इन्हीं स्टेप्स के तहत हम जो भी लेवल को अचीवमेंट करना चाहते हैं उस लेवल को अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स का नाम है 8 steps to success। किसी भी सिद्धांत को यदि हमको सीखना है, समझना है, तो उसके गहराई तक के हमको जाना बेहद जरूरी होता है। किसी भी नए काम को यदि हमको सीखना है तो वो कैसा किया जाता है इसको सीखना बहुत जरूरी होता है, और वो यदि हम नहीं सीखेंगे तो लाइफ में हम किसी भी फील्ड में काम कर रहे होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते और सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। तो एटोमी में डायमंड मास्टर बनना है या उसके ऊपर में भी हमको यदि जाना है अप टू द इंपीरियल मास्टर तक के, तो 8 steps to success ये आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, और इनको यदि आपने आज सीख लिया, समझ लिया, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आप 100% इसमें सक्सेसफुल होंगे। तो पहला स्टेप्स आपका 8 steps में से ये है कि आपको आज आपका एक गोल सेट करना है। हो सकता है कि आज तक के आपने आपका गोल सेटिंग नहीं किया होगा, गोल सेटिंग नहीं किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आप अपना एक गोल सेटिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि जिन्होंने अपना गोल सेट किया होगा वो तो अच्छी ही बात है, लेकिन जिन्होंने अभी तक के अपना गोल सेट नहीं किया होगा तो आज उन सभी लोगों को, वो चाहे नए लोग हो या पुराने लोग, सभी को अपना एक गोल सेट करना है। गोल सेट का मतलब क्या होता है? आपका सपना होता है, आपका सपना मतलब आपका फ्यूचर होता है, क्योंकि जो भी हम बातें करने वाले हैं तो ये पास्ट में निकलते जाती है और हम आगे के बारे में सोचते हैं, तो आगे का बारे में सोचना मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। तो आने वाले 8 सप्ताह ये आपका फ्यूचर है, आने वाले 8 सप्ताह ये आपके ड्रीम है, आने वाले 8 सप्ताह आपके एम है। तो आपका जैसा भी समझने का ढंग होगा उस हिसाब से आप समझिए। तो सबसे पहले आज आपको गोल सेट करना है। गोल सेट में आप 2 तरह के गोल सेट कर सकते हैं। एक तो आप सेल्स मास्टर बनने का गोल सेट कर सकते हैं, या तो दूसरा आप डायमंड मास्टर बनने का गोल सेट कर सकते हैं। कोई हमको केवल ये 2 ही लेवल के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन हमारे पास में जो अभी समय है उस समय को देखते हुए हम 2 ही गोल्स को अभी आज सेट करेंगे, और ये 2 गोलों को हम कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली हमारे टीम साइज क्या होना चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स की हमारी परचेसिंग होनी चाहिए, तो हम ये डायमंड मास्टर तक के पहुंच सकते हैं। तो ये आज आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, लीडर्स लोग सुन रहे हैं, तो उन्होंने अपना अपना गोल सेट कर लिया होगा। ऐसा समझते हुए मैं 2nd steps के ऊपर अभी जा रहा हूँ। जो आज आपके पास में समय है, आपने जो आपका गोल सेट किया है डायमंड मास्टर बनने का या उसके ऊपर कोई भी गोल होगा, तो इसके ऊपर आपको डिटरमाइन होना है, इसके ऊपर आपको कंफर्मेशन में काम करना है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि काबिलियत तो हर किसी के पास में होती है, ऐसा नहीं है कि भाई हर किसी के इंसान के अंदर में काबिलियत नहीं होती। वो मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता, तो मेहनत के साथ साथ हमको उसके ऊपर बिलीव भी करना होता है, और सिस्टम को सीखते हुए काम भी करना होता है, और लोगों के तरफ उस समय हमको ध्यान नहीं देना होता है। क्योंकि आप लोगों की तरफ यदि ध्यान देंगे तो आप अपने लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए आज आपने जो भी डिसीजन लिया है उसी डिसीजन के ऊपर आज आपको कंफर्म रहना है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। तो ये आप 2nd काम आज आपको करना है, क्योंकि आपके सामने में लक्ष्य ये है कि मैं यदि डायमंड मास्टर बनता हूँ, आप यदि डायमंड मास्टर बनते हो, तो दीपावली के पहले या दीपावली के बाद में हम 2,60,000 प्लस का महीने का इनकम इस सिस्टम से बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे पास में लगभग 2 महीने का यदि हम
पीरियड यदि पकड़ के चलते हैं तो एक महीने का इनकम हमारा 1,30,000 प्लस का होता है और दूसरे महीने का इनकम 1,30,000 प्लस का होता है। तो आप ये ना सोचे कि अभी हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी काम में की गई मेहनत कभी वो व्यर्थ नहीं जाती। उसी प्रकार अभी जो आपके पास में जो समय है ये समय आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये हमेशा आपको फ्रूटफुल ही साबित होगा। तो ये दूसरा काम आपको करना है कि आपको डिटरमाइन करना है, निर्धार करना है कि आज से हम डायमंड मास्टर बनने के लिए तैयार हैं, इसके लिए हमको जो भी करना पड़े हम करेंगे। तो अभी तीसरी स्टेप्स आपको क्या करनी है, क्योंकि हम जिस बिजनेस से बिलोंग करते हैं, जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है, हमको लोगों के साथ में डील करना होता है। लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग तरह से प्लान दिखाया जाता है या बताया जाता है, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। तो अभी आपको सबके लिए एक कॉमन चीज है कि सभी को एक लिस्ट बनानी है। हो सकती है कि अभी आपकी लिस्ट बन के रेडी होगी या हो सकता है कि आपकी लिस्ट व्हाट्सएप में होंगी। तो ये व्हाट्सएप में कितने लोगों की लिस्ट है ये अपने अपने लिस्ट को सबसे पहले तो देख लेना है कि आपके पास में 200 लोगों की लिस्ट है या आपके पास में 500 लोगों की लिस्ट है या आपके पास में 1,000 लोगों की लिस्ट है या उससे ऊपर की लिस्ट है। ये सबसे पहले आज आपको सोने के पहले एक कंफर्मेशन ले लेना है कि मेरे मोबाइल के अंदर में कितने लोगों की लिस्ट है। तो ये लिस्ट में आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना है और क्लासिफिकेशन करके अभी तक के जिन लोगों को आपने एटोमी बिजनेस के बारे में नहीं बताया होगा या उसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने ये सोचा होगा कि ये तो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति हैं, ये तो बिजनेस को नहीं करेंगे, या आपने ये सोचे होंगे कि ये गवर्नमेंट जॉब में होंगे या प्राइवेट सेक्टर में होंगे या बहुत बड़े पोस्ट में है तो इनको तो पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं होंगी, या जो भी आपके सोच विचार होने की वजह से आपने अभी तक के किसी को प्लान नहीं दिखाया होगा। तो आज आप लिस्ट को क्लासिफिकेशन करिए, उसमें फ्रेंड सर्कल को अलग लिख कर रखिए, फैमिलीज को अलग लिख कर रखिए, आपके जो रिलेटिव्स होंगे उनको अलग लिस्ट बनाइए, आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा उनका अलग लिस्ट बनाइए, आपके सोसाइटी में जो मिलने जुलने वाले लोग होंगे उनका अलग लिस्ट बनाइए, आपके लड़के बच्चों के जो स्कूल टीचर के कॉलेज वगैरह के जो भी होंगे पहचान के लोग उनका अलग लिस्ट बनाइए। तो ऐसे अलग प्रकार की लिस्ट बना के आप एक डिसाइड करिए कि हमारे पास में जो 8 सप्ताह है ये 8 सप्ताह में मैं 200 लोगों को कैसे प्लान दिखा सकता हूँ, 500 लोगों को कैसे प्लान दिखा सकता हूँ, 1,000 लोगों को कैसे प्लान दिखा सकता हूँ। ये आज आपको तय करना है कि मेरी लिस्ट ये 8 सप्ताह के अंदर में ये खत्म होनी ही चाहिए। आपको अपने तरफ से कोई भी निर्धारण ये नहीं करना है कि इनमें से कौन काम करेगा या नहीं करेगा। तो ये तीसरी स्टेप्स आज आपको करनी है। चौथी स्टेप्स आपको ये करनी है कि अभी हमारे पास में समय बहुत कम होने के वजह से डेली हमारी जूम मीटिंग होती रहती है, हो सकता है कि आपकी फिजिकल मीटिंग होती होंगी। तो इन लिस्ट में से आप दो तरह से इनको प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डेली जूम मीटिंग में इनको इन्वाइट करिए, या तो डेली का आप गोल सेट करिए कि मैं डेली व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से डेली मैं कितने लोगों को बताऊंगा। ये आपको तय करना है क्योंकि सक्सेसफुल आपको होना है इसीलिए। तो ये इनवाइट आप करिए मीटिंग में। जब आप इनवाइट करेंगे डेली 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 तो कुछ लोग डेफिनेटली इस मीटिंग को देखने के लिए आएंगे, समझने के लिए आएंगे, या आप फोन कॉल करेंगे तो पर्सनली आप उनको समझा के बताएंगे, या जो भी वेज आप अपनाना चाहते हैं वो वेज को आप अपनाइए। लेकिन चौथी बात आप करिए, उनको इनवाइट करिए, उनको बताइए, समझाइए, जैसे भी बताना है वैसे बताइए। पांचवी बात ये करना है कि जब आप उनको इनवाइट करेंगे तो उनको आप प्लान दिखाइए, शो द प्लान करिए। जब आप प्लान दिखाएंगे तो नहीं तो सामने वाले पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारे बिजनेस में यदि सक्सेसफुल यदि होना होगा तो सबसे पहले खुद को सीखना होगा। हम यदि खुद नहीं सीखेंगे
तो दूसरे को भी नहीं सिखा सकते, और जब दूसरे को नहीं सिखाएंगे तो दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को नहीं सिखा सकता, और तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति को नहीं सिखा सकता। इसका मतलब ये है कि आपकी टीम यदि आप स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो सबसे पहली बात यह है कि खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को प्लान दिखाना आना चाहिए, खुद को सारी चीजें आनी चाहिए, और जब ये आप खुद करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन बहुत बार ये होता है कि हम खुद सीखना नहीं चाहते और दूसरा जो सीखता है उसको हम देखते हैं और ये बोलते हैं कि भाई इसमें क्वालिटी है इसीलिए इसने किया, लेकिन हम खुद के बारे में ये नहीं सोचते कि भाई हम भी उनके जैसा बन सकते हैं, वो बनने के लिए हमने जो करना चाहिए था वो नहीं किए इसलिए हम नहीं बन पाए। तो आज आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको सबसे पहले खुद को सीखना है, और जब वो खुद को सीख कर लोगों को जब आप प्लान दिखाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो जब आप लोगों को प्लान दिखाएंगे तो आपको तीन तरह के लोग मिलेंगे। पहले तरह के लोग ऐसे मिलेंगे कि प्लान देखने के बाद में वो आपके साथ में समझने के बाद ज्वाइन होना चाहेंगे और वो आपके साथ में काम करने के लिए भी रेडी होंगे। दूसरी तरह के लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो बोलेंगे कि अभी मैं इसके ऊपर सोच विचार करता हूं और कुछ दिन के बाद में आपको हाँ या ना में जो भी मेरा डिसीजन है ये मैं बताऊंगा। तो ये ऐसे भी प्रकार के लोग आपको कुछ मिलेंगे जिन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है कि ये सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए या ज्वाइन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, हम इस बिजनेस को नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत सारे बिजनेस आए हैं हमने देखे हैं लेकिन कोई भी लोग इस सिस्टम में सक्सेसफुल नहीं होता। तो ऐसे नो बोलने वाले भी लोग आपके लिस्ट में हो सकते हैं, तो इनको भी आपको छोड़ना नहीं है, और इनके नो बोलने से आपको नाराज भी नहीं होना है, क्योंकि हमारा बिजनेस है और हमारे बिजनेस में लोगों की सख्त आवश्यकता है। और जितने भी नहीं बोलने वाले जो लोग हैं, ये नहीं बोलने वाले लोगों को हमको आने वाले दिनों में, जैसे ही नवंबर में हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है, तो इनको हमको कस्टमर बनाना है, क्योंकि हमको रेगुलरली बिजनेस। तीनों तरह के जो लोग हैं ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पांचवा काम करना है कि उनको प्लान दिखाना है, और जब प्लान दिखाएंगे तो तीन तरह के आपको आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट बात ये करनी है, छठी बात, कि आपको फॉलोअप लेना है। यदि आपने किसी मीटिंग में आप किसी को इनवाइट किया होगा तो वो मीटिंग ओवर होने के बाद में 48 आवर्स के अंदर में उन व्यक्तियों के साथ में आपको डिस्कस करना है, बातचीत करनी है कि आज जो मीटिंग आपने हमने या हमारे टीम ने रखी थी और आज आप इस मीटिंग में आए थे, आपने जो एटोमी का कॉम्पेंसेशन प्लान देखा है, रिवार्ड देखे, सारी चीजें देखी है, तो आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या आप इस सिस्टम के साथ में काम करना चाहेंगे, तो उनका आंसर यस या नो में हो सकता है। तो उनको फॉलो अप करना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप इनवाइट कर देंगे, वो मीटिंग में भी आएंगे, प्लान भी देखेंगे, लेकिन आप उनके साथ में छठी जो स्टेप्स फॉलो अप जो होती है वो यदि आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वह इंसान किसी और के साथ में भी ज्वाइन हो सकता है। तो इसीलिए प्लान दिखाने के बाद में उनका फॉलो अप 48 आवर्स के अंदर में होना बेहद जरूरी है। और नेक्स्ट बात आपको सातवीं ये करनी है, ये सब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, काउंसलिंग। अभी सवाल ये आता है कि ये काउंसलिंग क्यों करनी जरूरी है, काउंसलिंग नहीं करे तो क्या हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्या? हम काउंसलिंग के बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि जो सक्सेसफुल इंसान है वो सक्सेसफुल कैसे बना ये जब तक आपको बताए नहीं जाएंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि सक्सेसफुल कैसे होता है। आपने अपना गोल सेट किया था, आपको ये 8 स्टेप्स आपको पता था,
करके आप इस सिस्टम में सक्सेसफुल होने जा रहे हैं, तो ये जो 8 स्टेप्स का जो फार्मूला है, ये सारी की सारी बातें आपकी काउंसलिंग में आती है। तो आप जिन भी लोगों को ज्वाइन करने जा रहे हो, आप उनसे काउंसलिंग करिए, उनको पूछिए कि आप इस सिस्टम में जो ज्वाइन हुए हो, तो आपका आने वाले 2 से 5 साल के अंदर इस सिस्टम से क्या पाने का लक्ष्य है, आप उनको पूछिए। क्योंकि आप पूछेंगे तो हो सकता है कि हर किसी का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति अलग अलग तरह से बता सकता है। तो आप उनको पूछिए कि आप आने वाले 2 से 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। ये सारे जो भी ड्रीम्स होंगे, आप उनके काउंसलिंग के दौरान उनके ड्रीम पूरे करिए और उनको ये बताइए कि जैसे मैं इस बिजनेस में काम कर रहा हूँ, वैसे आप भी यदि इस सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आप भी 2 से 5 साल के अंदर हम जैसे काम कर रहे हैं, वैसे आप भी काम करते हुए इस सिस्टम से सक्सेसफुल हो सकते हो। तो इसीलिए जितने भी ज्वाइनिंग आपके किए हुए लोग हैं, हो सकता है कि अभी तक के आपने काउंसलिंग नहीं की होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आज से आप काउंसलिंग करना चालू कर दीजिए। और जितने भी लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, वो हमेशा काउंसलिंग स्टार्ट रखिए। तो ये हमारा 7वां जो इम्पोर्टेंट बात है, काउंसलिंग करना, ये आप हर व्यक्ति के साथ में करिए, हर लीडर्स के साथ में करिए। और नेक्स्ट में लास्ट जो बात है 8 स्टेप्स में, वो होता है डुप्लीकेशन। ये जितनी भी हमने बातें शेयर की है, 7 बातें, ये 7 बातों का अपने टीम में आप डुप्लीकेशन करिए। और जब तक हम डुप्लीकेशन नहीं करेंगे, तब तक हमारा टीम आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो हमको शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, LTT हमको कराना है, खुद लर्न करना है, दूसरे को सिखाना है, टीच करना है, और उसी को डुप्लीकेशन करना है। तो LTD फार्मूला आज से आप अपने जहन में बिठा लीजिए, इसको याद रखिए हमेशा कि हमको क्या करना है। तो LTD करना है, खुद 8 स्टेप्स को लर्न करना है, ये 8 स्टेप्स को लोगों को टीच करना है, और इसका डुप्लीकेशन हमारे टीम में करना है। तो जो भी टीम होगी, ये 8 स्टेप्स का फॉलोअप करेगी, तो 100% ये आने वाले 8 सप्ताह के अंदर आप डायमंड मास्टर 100% बन सकते हैं। तो अभी सवाल ये आता है कि डायमंड मास्टर बनने के लिए हमने कितना टीम बनाना चाहिए, या हमारे पर्सनल कितने पॉइंट होने चाहिए। तो सिंपल मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, उस फार्मूले को आप यदि समझ लेंगे, तो आसानी से आप डायमंड मास्टर बन सकते हैं। तो ये 8 सप्ताह के अंदर कोई पर्सन आज भी ज्वाइन हुआ होगा, और वो पर्सन यदि 100 लोग लेफ्ट साइड में और 100 लोग राइट साइड में प्रोफेशनली यदि ज्वाइन कराता है, प्रोफेशनली का मतलब ये है कि वो पढ़े लिखे ज्यादा होने चाहिए, वो प्रोफेशनली नहीं, बाय प्रोफेशन कोई और प्रोफेशन से होना चाहिए, वो प्रोफेशनली नहीं, तो वो 100 लोग ऐसे प्रोफेशनली हमको क्रिएट करना है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, उनको 8 स्टेप्स के बारे में पता हो, उनको अपने गोल्स के बारे में पता हो, उनको 8 सप्ताह के अंदर में क्या करना है ये पता हो, उनको लिस्ट के बारे में पता हो, उनको सारी चीजें के बारे में पता हो, उनको प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे है, उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, उसके PV कितने बनने वाले हैं, ये सारी चीजें पता हो। ऐसे यदि 100 लोग लेफ्ट में और 100 लोग राइट में यदि आपकी टीम में है 8 सप्ताह के अंदर, तो आप डायमंड मास्टर डेफिनेट बन सकते हो। तो अभी ये 100 लोगों में आप डायमंड मास्टर कैसे बनेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो देखिए हमारे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च इंडिया में होने जा रहा है जिसका नाम है द फेम, और ये स्किन केयर से रिलेटेड है, अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स है। इसका एक सेट यदि आप परचेस करने के बारे में यदि सभी लोगों को, जितने भी आपके टीम के अंदर में ज्वाइन हुए लोग हैं 100 लोग, उनको यदि आप बताते हो, तो एक सेट का जो PV है ये 60,000 PV है। अभी सोच के देखिए कि 60,000 PV मतलब बहुत ज्यादा PV होता है। अभी आपके मन में दूसरा प्रश्न आया होगा कि 60,000 PV है तो लेकिन मिलेगा कितने में, तो ये कितने में मिलेगा उसका
एमआरपी क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या होगा, तो ये अक्टूबर में 15 अक्टूबर के बाद में सारा एटोमी इंडिया ऑफिशियल के तरफ से डिक्लेयर होने जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। तो 60,000 पीवी मतलब 50 लोग यदि लेफ्ट साइड में है एक तरफ 15 दिन के अंदर में, और राइट साइड में 50 लोग हैं, तो ये 50-50 लोगों को यदि हम 60,000 पीवी का एक केवल एक प्रोडक्ट हम खरीदी करने के बारे में यदि अभी से हम यदि ट्रेन बना देते हैं, तो आपका 30 लाख पीवी लेफ्ट में और 30 लाख पीवी राइट में एक एक सेल्स मास्टर के नीचे में हो सकता है केवल एक प्रोडक्ट से। कंपनी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया है कि हम 30 प्रोडक्ट के साथ में लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। मैं केवल आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूं कि आप डायमंड मास्टर कैसे बन सकते हैं। तो हमको डायमंड मास्टर बनने के लिए दो दो सेल्स मास्टर की आवश्यकता है, लेफ्ट में दो राइट में दो। तो एक सेल्स मास्टर के लिए हमको 50 लोग लेफ्ट में चाहिए, 50 लोग राइट में चाहिए। कैसे कि 50 लोग एक एक सेट द फेम का यदि लेते हैं तो एक सेट का पीवी 60 लाख होता है, तो 50 लोग यदि खरीदी कर लेंगे एक बार में तो 30 लाख पीवी लेफ्ट साइड में, 30 लाख पीवी राइट साइड में हो जाएगा, और एक सेल्स मास्टर आपका वो एक दिन में भी बन सकता है या 15 दिन के अंदर में भी बन सकता है। तो वैसे दूसरे और 50 लोग नीचे में होंगे तो दूसरा सेल्स मास्टर भी वैसे ही बनेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके 100 लोग एक तरफ है और 100 लोग एक तरफ है, ऐसे 200 लोगों की टीम है आपके पास में, और उनको यदि आपने फार्मूला बता दिया कि आपको एक द फेम का सेट लेना है, तो आप पहले 15 दिन के अंदर में इस सिस्टम के डायमंड मास्टर बन सकते हैं। और डायमंड मास्टर बनकर एक मिनिमम जो इनकम है, मिनिमम जो रिवार्ड्स है, वो रिवार्ड्स भी पा सकते हैं, और वो 2,60,000 प्लस का इनकम भी आप मिनिमम पा सकते हैं। वैसे इनकम की बात करें तो डायमंड मास्टर का इनकम अभी तक के जो देखा गया है वो 10 लाख तक के भी देखा गया है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बताएंगे तो हो सकता है कि इंडिया में अभी तक के शुरू नहीं हुआ, तो हो सकता है कि बिलीव हमारा नहीं होगा, लेकिन अदर कंट्री में अभी तक के जो देखा गया है टर्नओवर के हिसाब से, तो हम 2,60,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक के भी इनकम हम महीने का डायमंड मास्टर लेवल के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा टीम का एजुकेटेड होना बेहद जरूरी है। तो यदि इस तरह से यदि हम काम करते हैं और इस तरह से लोगों को यदि हम ट्रेन कराते हैं, तो हमको लाखों लोगों की टीम होनी चाहिए ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों की टीम है लेकिन लाखों लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि क्या चीज करने से कैसा हम अचीवमेंट कर सकते हैं, कहाँ तक के जा सकते हैं। तो वो लाखों लोगों की टीम होने के बावजूद भी लाखों लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन आपके टीम में कम लोग है, 10,000 लोग है, 5,000 लोग है, लेकिन उनको सबको ये पता है कि भाई डायमंड मास्टर कैसे बना जाता है, कितने लोगों की लेफ्ट में टीम होनी चाहिए, राइट में कितने लोगों की टीम होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट परचेस करने से हम कितना पीवी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। तो ये एग्जांपल यदि आप अपने ग्रुप में जितने भी लोगों की आपकी टीम होंगी वो यदि आप बताते हो उनको, तो उनके भी माइंड क्लियर हो जाएंगे, और क्लियर होने से वह भी व्यक्ति आज जो आप सोच रहे हो कि मैं 5 लोगों को डायमंड मास्टर बनाना चाहता हूँ या 10 लोगों को बनाना चाहता हूँ आपकी टीम के अकॉर्डिंग, या ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इस फार्मूले के तहत आप हजारों लोगों को डायमंड मास्टर बना सकते हैं, और अपने टीम का नाम केवल इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में आप रोशन कर सकते हैं। तो ये केवल एक प्रोडक्ट था। अभी आप सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति 30 के 30 प्रोडक्ट यदि ले लेगा तो कितना पीवी बनेगा, आप सोच के देखिए, और कितने कम लोगों में आप डायमंड मास्टर जा सकते हैं, कितने कम लोगों में आप सेल्स मास्टर जा सकते हैं, इसका अंदाजा अभी आपको नहीं आएगा, लेकिन आप सोच के देखिए कि एटोमी का पावर कितना है और कितने लोग इस सिस्टम के माध्यम से सक्सेसफुल होने वाले हैं। तो ये सारी बातें मैंने 2-3 साल पहले ही देखी थी, और उसी का नतीजा ये था कि मैं पेशेंस के साथ इस सिस्टम में जुड़ा रहा और काम धीरे धीरे करते रहा,
और उसी का नतीजा ये है कि आज हम पूरे इंडिया में नंबर वन टीम में है, क्योंकि हमारी 80% टीम है और बाकी कंट्रियों की 20% टीम है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, पेशेंस नहीं रखते। मैं यदि डिसीजन नहीं लेता तो हो सकता है कि आप अभी होते या नहीं होते, आई डोंट नो। तो ये सारी बातें हैं, 8 steps to success जो फार्मूला है ये मैंने डिसाइड किया, इसको सीखा और आपको भी मैं अभी थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, अभी एक और महत्वपूर्ण जो ध्यान में रखनी है कि हमेशा एक प्रश्न आता है कि 1 point value मतलब कितना होता है। तो आज से आपको डॉलर में हमको 1 point value इक्वल टू $5 नहीं बताना है, ये आज से आपको एक ध्यान में रखना है। तो आज से क्या बताना है, वो $5 1 point equal to इसलिए बता रहे थे क्योंकि हम अभी तक के यूएसए का प्लान फॉलो कर रहे थे, लेकिन हमारा जो कंपनी है ये साउथ कोरिया का कंपनी है, तो साउथ कोरिया का प्लान होने के वजह से हम साउथ कोरिया का जो 1 point equal to कितना होता है ये हम आज समझेंगे। तो साउथ कोरियन में 1 point equal to 5,000 Korean won होता है। ये आज आपको अपने टीम में जैसे जैसे आपको समय मिलेगा वैसे वैसे बताना है। तो आप समझ सकते हैं कि हमको यदि 5 scores मिलने वाले हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई स्कोर्स में ही इनकम हम कैसे बताएंगे, तो आज आपका इस प्रश्न का जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो 5 scores मतलब आपका 25,000 Korean won हो जाएगा, लेकिन बिजनेस बढ़ेगा तो ये 25,000 का 30,000 Korean won भी हो सकता है, या 40,000 Korean won भी हो सकता है, 50,000 Korean won भी हो सकता है। उसको कंपनी इंडिया के INR में कन्वर्ट करेगी और वो इनकम आपका हम अभी जो बता रहे 1700 से लेकर या 1500 रुपए बता रहे, कुछ लोग 1600 बता रहे, तो इसके ऊपर में भी या उससे थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये बात महत्वपूर्ण जो मुद्दा था मुझे याद आया, तो मैं समझा कि आपको बता देना चाहिए। तो आज आपको ध्यान में रखना है कि 1 point equal to 5,000 Korean won। आवाज बोल को रही, हेलो हेलो, 5,000 Korean won 1 point equal to 5,000 Korean won। दूसरी मैं और इम्पोर्टेंस बात बताने जा रहा हूं जो कि आपके और भी आगे काम में आएगी। एटोमी इंडिया हर सप्ताह एवरी फ्राइडे एक प्रोडक्ट का पीपीटी डालती है, उस पीपीटी को अपने ग्रुप में हमेशा भेजते रहना है, उनको अपने टीम में सभी लोगों को उस पीपीटी के बारे में ट्रेन कराना है। नेक्स्ट बात और भी मैं बताना चाहूंगा आपको अपडेट्स के तौर पर कि आने वाले दिनों में हो सकता है दिसंबर या तो जनवरी में एब्सोल्यूट स्किन केयर का सेट लॉन्च होने वाला है और उसका पीवी 1 lakh को पॉइंट वैल्यू रहने वाला है। तो अभी आप सोच के देखिए कि जब 1 lakh पॉइंट वैल्यू एब्सोल्यूट स्किन केयर का सेट जब दिसंबर या जनवरी में लॉन्च होगा और आपको यदि सेल्स मास्टर बनाने हैं तो केवल एक एब्सोल्यूट का सेट में 1 lakh पॉइंट होता है, तो 25 लोगों की टीम यदि होगी तो आपके 25 लाख पॉइंट लेफ्ट साइड में हो जाएंगे 15 दिन के अंदर और 25 लाख पॉइंट वैल्यू राइट साइड में हो जाएंगे। मतलब आप 15 दिन के अंदर में 25 लोगों के तहत आने वाले दिसंबर महीने से या आने वाले जनवरी महीने से केवल 25 लोगों के टीम बनाकर और 25 लोगों को केवल एब्सोल्यूट स्किन केयर का सेट दिलवा कर आप सेल्स मास्टर बन सकते हो। अभी सवाल ये आता है कि भाई ये तो एक बार हम स्किन केयर का सेट लेंगे लेकिन ये चलता तो साल भर है, लेकिन इसका भी मैं फार्मूला बताना चाहूंगा कि आपको साल भर इनकम कैसे मिलेगा, ताकि आज आपको बातें क्लियर हो जाएगी और एटोमी का पावर कितना है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 15 दिन में एक बार हमको 25 लोग चाहिए और दूसरे 15 दिन में एक बार हमको लेफ्ट साइड में 25 लोग चाहिए, मतलब दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो महीने भरे में हमको सेल्स मास्टर का इनकम लेने के लिए 50 लोग लेफ्ट साइड में चाहिए और महीने भरे में राइट साइड में हमको 50 लोग चाहिए।
अभी हमारा बिजनेस 12 महीने चलने वाला है, क्योंकि हम सेल्स मास्टर की इनकम यदि हम 12 महीने लेना चाहते हैं तो हमारे टीम में 50 गुना 12 मंथ करेंगे, क्योंकि एक महीने में आपको 50 लोग खरीदी करने वाले चाहिए, तो 12 महीने में यदि आपके पास में 600 लोगों की मात्र टीम है और 600 लोग मात्र एक एक बार केवल एब्सोल्यूट स्किन केयर का सेट खरीदी करते हैं, तो आप 12 महीने कंटिन्यूली एज ए सेल्स मास्टर आप रह सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि आपकी टीम बड़ी होगी और ये फार्मूला यदि आपने डुप्लीकेट कर दिया तो आप कितने सेल्स मास्टर बना सकते हो, कितने डायमंड मास्टर बना सकते हो, यू कैन नॉट इमेजिन। आज आपको इमेजिन करना पड़ेगा और इस इमेजिन जब आप करना चालू कर देंगे तो आप एक नहीं हजारों डायमंड मास्टर बनाएंगे, हजारों सेल्स मास्टर बनाएंगे, और आपका जो सपना है इंपीरियल मास्टर बनने का, तो मैं इस सिस्टम के तहत ये जो फार्मूले जो आपको मैंने जो बताया, इन फार्मूले के तहत यदि इंपीरियल आप बनने का यदि लक्ष्य है तो मात्र आप 8 से 10 महीने के अंदर में इंपीरियल मास्टर बन सकते हैं, और 8 से 10 महीने के अंदर में इंपीरियल बनकर लगभग 20 करोड़ प्लस का इनकम इस सिस्टम के माध्यम से आप जनरेट कर सकते हैं। तो अभी आपको अपने बारे में अंदाजा लगाना है, अपने ड्रीम के बारे में अंदाजा लगाना है कि नवंबर महीने से सिस्टम शुरू होने जा रहा है, तो नवंबर महीने से 8 महीने का हम यदि कैलकुलेशन करते हैं तो हम किस महीने तक के इंपीरियल जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में और भी हम आगे बातचीत करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स था कि हाउ टू बिकम डायमंड मास्टर और डायमंड मास्टर का पर्टिकुलर इनकम क्या होता है और कितने लोग एक्चुअली में हमारे पास में होने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट परचेस करने से कितना पीवी होता है, तो ये सारी बातें आपने मेरी ध्यान से सुनी, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने नोट डाउन भी की होंगी। इसके लिए सभी का मैं सभी लीडर्स लोगों का और स्पेशली हमारे जो टेक्निकल पर्सन है मिस्टर समीर जी, संदीप कुमार जी और सारे जो लीडर्स लोग हैं और जो यूट्यूब पर जितने भी मुझे सुन रहे हैं, सभी लोगों का मैं धन्यवाद अदा करते हुए आज का जो मेरा छोटा सा सेशन था हाउ टू बिकम डायमंड मास्टर विद इन 16 डेज ये मैं एंड करने जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।